Hey, what's up, everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. To all of you, how are you? Well, very good. Welcome to nursery class. Do you know, students, which date is today? Do you know? No. Today is 9th September. Which date is? Today is 9th September and the day is fast day. Which date? 9th September and day fast day. तो हम आज आपको थीम फोर स्टार्ट करने से पहले हम सिखाएंगे आपको कन्वर्सेशन. क्या सिखाएंगे? कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन में बताएंगे वो भी बेसिक चीज़ें. आपको इसको ओरली लर्न करके मुझे वीडियो बना करके आपको सेंड करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन. लुक एट द बोर्ड. सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज योर नेम. क्या पूछा मैंने? व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है. तो आप कैसे फिल करेंगे? माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, जो यहाँ पे डैश है, आप अपना नाम, जैसे माय नेम इज नेहा. क्या? माय नेम इज नेहा. मैंने एग्जांपल दे रही हूँ. अब मैंने आप क्या फिल कर दिया? माय नेम इज नेहा. क्या फिल कर दिया? नेहा नेम. आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे. My name is हर्षित, नेहा, पूजा, जो वो आपको फिल करके कंप्लीट कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लुक एट व्हाट इज योर फादर्स नेम. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है. क्या नाम है आपके पापा का? तो हम कैसे इसका आंसर देंगे? My father's name is Mr. आपके पापा का जो नाम हो यहाँ पे आप उसको ऐड कर लेंगे. कैसे लिखेंगे इसका आंसर? माय फादर नेम इज मिस्टर सुजीत, अजीत, अमित, जो भी हो आप इसको यहाँ पर फिल करके आंसर ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, समझ में आया सारे बच्चों को? क्या करना है? माय फादर नेम इज मिस्टर अजीत लिख करके ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आपके फादर का जो नाम है आपको यहाँ पे फिल करेंगे. डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज योर मदर्स नेम. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज योर मदर्स नेम. आंसर कैसे हमें देना है इसका? माय मदर नेम इज, जैसे कविता, प्रियंका, सुनीता, तो आप क्या मिसेस आप लगा देंगे? मिसेस सुनीता. मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम फिल कर दिया है. आपकी मदर का जो नाम होगा आप वो नाम वहां पे राइट करेंगे. ओके, कैसे मैंने आंसर कर दिया? माय मदर नेम इज मिसेस सुनीता. ओके, तो आप अपनी मदर का नाम फिल करके इस आंसर को भी कंप्लीट कर लेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन विच क्लास डू यू स्टडी. क्या क्वेश्चन है? इन विच क्लास डू यू स्टडी, यानी कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं. इन विच क्लास, आंसर मी. तो आप कैसे आंसर देंगे? आई स्टडी इन क्लास नर्सरी. क्या लिखेंगे? आई स्टडी इन क्लास नर्सरी. क्योंकि आप सारे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो ना, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? आई स्टडी इन क्लास नर्सरी. इसका आंसर सारे बच्चों का सेम होगा. ओके, क्योंकि मदर एंड फादर नेम तो सबके अलग अलग होते हैं, बस क्लास तो आपका एक ही है ना. तो ये आंसर सारे बच्चों का सेम होगा कि आई स्टडी इन क्लास नर्सरी. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. फिर रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का नाम क्या है. आप सारे बच्चे बताइए आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, नाम क्या है आपके स्कूल का? सेंट कोलंबस स्कूल. तो हम यहाँ कैसे आंसर देंगे इसका? द नेम ऑफ माय स्कूल इज सेंट कोलंबस स्कूल. आपके स्कूल का नेम चाहिए ना, सेंट कोलंबस स्कूल. तो जैसे क्लास कॉमन है वैसे स्कूल भी सारे बच्चों का कॉमन है, तो
तो हम स्कूल का नाम भी सारे बच्चे जैसे मैंने लिखा है एवरेज उसको वहाँ पे फिल करके मुझे ओरली आपको लर्न करना है, अटेंड नहीं करना है इसको, तो आप ओरल लर्न करके मुझे वीडियो बना करके सेंड करेंगे। ओके, क्या बताया कन्वर्सेशन में बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थीम फोर। और थीम फोर में क्या है, आज हमारा डे 14, क्या है डे 14। और डे 14 में क्या है, सारे बच्चे अपने बुक्स खोलेंगे, थीम फोर वाटर वाली एंड द पेज नंबर इज 20। ओके, ओपन योर बुक्स। अब इसमें लिखा क्या है डे 14 की जो एक्टिविटी है, काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स एंड मैच टू द करेक्ट नंबर। ऊपर स्टार्स बने हैं, इसमें कुछ डॉट्स बने हुए हैं, तो आपको डॉट्स को काउंट करना है, एक एक स्टार में जितने डॉट्स हैं उसको काउंट करके नीचे भी स्टार पे नंबर्स बने हैं उससे आपको इससे मैच कराना है करेक्ट नंबर से। ठीक है, समझ गया आप क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स, जो डॉट्स बने हुए हैं आपको जिन नीचे नंबर से सेम नंबर को डॉट से मैच कराना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। ओके, स्टार्ट करिए आप सारे बच्चे भी मेरे साथ साथ। फर्स्ट स्टार देखिए, फर्स्ट स्टार में कितने डॉट्स बने हैं, आप अपनी बुक्स में फिंगर रख के काउंट करेंगे, कितने स्टार्स बने हैं, 1 2 काउंट किया सारे बच्चों ने, कितने डॉट्स हैं, ओनली 2। अब नीचे आइए, आप देखिए 2 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे। तो हम 2 डॉट्स को इस 2 नंबर से मैच करा देंगे। तो ये मैंने, ये 2 डॉट्स है और यहाँ पे 2 नंबर कहाँ पे राइट है, यहाँ पे, तो हमने इसको 2 नंबर से मैच करा दिया। ओके, एंड द नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, नंबर 1, कितने डॉट्स बने हैं, ओनली 1 डॉट्स है, सारे बच्चों को दिख रहा है, स्टार्स में आप देखेंगे कितने डॉट्स है, ओनली 1 है ना। तो आप नीचे आइए, 1 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस 1 डॉट को नीचे वाले 1 नंबर से मैच करा देना है, क्योंकि हमें करेक्ट मैच कराना है ना, 1 डॉट है तो 1 नंबर को हम 1 डॉट से मैच करा देंगे। तो ये हमारा 2 स्टार कंप्लीट हो गया। एंड द नेक्स्ट हमारा देखिए, ये तीसरे वाला स्टार पे आइए, अब इसको काउंट कीजिए फिंगर रख के कि कितने डॉट्स बने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कितने डॉट्स है आपने काउंट किया, 5 डॉट्स। तो अब हमें क्या करना है, नीचे देखिए 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, अब 5 डॉट को 5 नंबर से मैच करा देंगे। तो ये हमारा 5 नंबर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हमने 5 डॉट को 5 नंबर से मैच करा दिया, क्योंकि हमें करेक्ट मैच ही तो कराना है ना, जितने डॉट उतने नंबर, तो ये 5 डॉट 5 नंबर से मैच हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट स्टार पे आते हैं, नेक्स्ट स्टार में देखिए कितने डॉट्स बने हुए हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, नेक्स्ट स्टार में कितने डॉट्स हैं, ओनली 4। तो नीचे देखिए 4 नंबर कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, तो अब इस 4 डॉट को हम 4 नंबर से मैच करा देंगे। ये मैंने 4 डॉट्स को इस 4 नंबर से मैच करा दिया, तो ये वाला स्टार भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टार पे आइए, कितने डॉट्स बने, फिंगर रख के काउंट कीजिए आप सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, कितने डॉट्स है आपने काउंट किया, कितने डॉट्स आए, 6 आए ना, तो 6 नंबर से इसको मैच करा दीजिए। तो ये मैंने 6 डॉट को 6 नंबर से मैच करा दिया, आपने भी किया, कर लिया ना। अब अपनी बुक में करते जाइए, अब ना अब कौन सा आया, सबसे लास्ट वाला स्टार आया है ना, अब लास्ट वाले स्टार में कितने डॉट्स बने हैं इसको भी काउंट करते हैं हम, कितने बने हैं, 1 2 एंड 3, कितने डॉट्स बने बच्चों, ओनली 3 डॉट्स। अब हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स को 3 नंबर से मैच करा देंगे, ये हमारा 3 नंबर और ये है ये 3 डॉट्स, तो ये हो गया हमारा करेक्ट मैच, 3 डॉट्स को हमने 3 नंबर से मैच करा दिया। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, कौन सी, काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स एंड मैच टू द करेक्ट नंबर, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब डे 14 से ही हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है, फाइंड एंड सर्कल के विद ब्लू क्रेयॉन, क्या करना है, हमें ये लेटर को फाइंड करना है और ब्लू कलर के क्रेयॉन से उसको सर्कल करना है। उसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, मैंने कल आपको के लेटर को रिकॉग्नाइज कराया था और उसकी मीनिंग बताई थी, आप सारे बच्चों को लगता है कि नहीं है, नहीं है, तो एक बार हम फिर से उसको
रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन इसकी मीनिंग्स को समझेंगे. ओके, ये कौन सा लेटर है, आप कौन सी बुक्स ओपन करेंगे, लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी. ओके, एंड द पेज नंबर 25 ओपन किया आप सारे बच्चों ने, ओपन कर लिया. ओके, अब हम बताइए के लेटर को अच्छे से आप रिकॉग्नाइज कर दें, क्योंकि अब के लेटर को ही आपको फाइंड करना है. रिकॉग्नाइज कर लिया अच्छे से. अब के फॉर मीन्स क्या क्या होता है मैंने बताया था कल आपको, एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे. के फॉर काइट, बताया था ना मैंने कल, के फॉर काइट, काइट मीन्स क्या होता है पतंग. नेक्स्ट पिक्चर किसका है, के फॉर किड, किड मीन्स बच्चा. एंड द थर्ड पिक्चर कौन सा है, के फॉर की, की मीन्स क्या होता है चाबी. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर क्या है, के फॉर किस, ये भी मैंने बताया था ना, जब आप बहुत अच्छे लगते हो या कुछ अच्छा काम करते हो तो मम्मा प्यार से चीक पे किस कर दिए ना, तो के फॉर किस भी होता है. एंड द लास्ट पिक्चर किसका है, के फॉर किंग, किंग मीन्स क्या होता है ना सारे बच्चे जानते हो, किंग मीन्स राजा. तो ये आपने लेटर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया एंड द मीनिंग समझ गए आप सारे बच्चे. अब हम क्या करेंगे, अब आपको के लेटर को फाइंड करना है. तो बिना बताए आप सारे बच्चे फटाफट अपने बुक्स में के लेटर को ब्लू कलर के क्रेयॉन से फाइंड करिए. ओके, मैं भी करने जा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रो में देखिए कौन कौन से लेटर लिखे हुए हैं, डी के ए के. हमें लेटर कौन सा फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है बताइए, के लेटर को. तो के लेटर कहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है और एक बार यहाँ. अब सारे बच्चे ब्लू कलर का क्रेयॉन लेंगे और अपनी बुक में ये जहां जहां के बना हुआ है इसको ब्लू कलर के क्रेयॉन से सर्किल कर लेंगे. देखिए मैंने भी सर्किल कर दिया. ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन आई है, क्या लिखा है, कौन सा लेटर लिखा है, सी बी ई. यहाँ पे के लेटर कहीं दिख रहा है नहीं है ना, अब आप क्या करेंगे आप, तो इसको एडिटेड इस लाइन को छोड़ देंगे. तो मैंने इस लाइन को एडिटेड छोड़ दिया. अब फिर नेक्स्ट लाइन में आइए, आई के जे के. आप सारे बच्चे के को अच्छे तरीके से फाइंड कर ले रहे हो ना, तो हमें यहाँ फिर से देखिए के कहाँ कहाँ लिखा है, एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ. तो फिर दोनों के को हम सर्किल कर देंगे और किस कलर से करना है, ब्लू कलर से. तो मैंने इन दोनों के को सर्किल कर दिया. फिर नेक्स्ट लाइन में आइए, जे एफ ई. वंस अगेन एक बार फिर यहाँ पे एक बार भी के नहीं है ना, हमें किसको फाइंड करना है, ओनली के लेटर को. तो अब इस रो को भी हम एडिटिव छोड़ देंगे, ये मैंने इसको भी एडिटिव छोड़ दिया. अब उसके नेक्स्ट रो में आइए, के ए के आई. वंस अगेन यहाँ पर फिर टू टाइम्स के है ना के, हम दोनों के को ब्लू कलर के क्रेयॉन से सर्किल कर देंगे. ये मैंने फर्स्ट के को सर्किल किया एंड ये सेकंड वाले के को. कंप्लीट हो गया ना ये लाइन. अब सबसे बची कौन सी, लास्ट लाइन. लास्ट लाइन में आई देखिए कौन कौन सा लेटर है, के डी के. वंस अगेन फिर यहाँ पे टू टाइम्स के है ना, हमें के लेटर को ही फाइंड करना है, तो हम दोनों के को ब्लू कलर के क्रेयॉन से सर्किल कर देंगे. इसको भी सर्किल कर दिया और इसको भी सर्किल कर दिया. कंप्लीट हो गया ना मेरा वर्क, ये अच्छा लगा आप लोगों को, क्योंकि आपने के लेटर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना सीख लिया था. जब अच्छे से रिकॉग्नाइज करना आ गया तो आपने फटाफट इस वर्क को कंप्लीट कर लिया. तो ये हो गई हमारी आज डे 14 की दोनों एक्सरसाइज. अब नेक्स्ट है हमारा, आपके पास बुक होगी, आपके पास ये नोटबुक है ना, स्वर व्यंजन लेखन. अब आपको हम होमवर्क देने जा रहे हैं. ओके, अब स्वर व्यंजन लेखन ओपन करेंगे, पेज नंबर है 26 एंड 27. सारे बच्चों ने ओपन किया, कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 26 एंड 27. अब 26 में लिखा क्या है, का, कौन सा वर्ड बना हुआ है, का वर्ड. अब सारे बच्चे ध्यान से देखिए कौन सा वर्ड है, वर्ड का. और मैंने आपको सिखा चुके हैं ना, का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण, आ से आहा तक और का से अंगा तक हम आपको बता चुके हैं. अब सारे बच्चों को कैसे बनाया जाता है मैंने ये भी सिखाया था. एक वन स्टैंडिंग लाइन आप खींचेंगे, कैसे बनाना है, वन मैंने स्टैंडिंग लाइन खींची, ये सर्किल बनाया और फिर इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो क्या बन गया हमारा, का वर्ण. तो ये का वर्ण आपको स्पेस राइट करना है, पूरा लिख करके सुंदर सुंदर अक्षरों में मुझे वर्क को सेंड करना है. और का से होता क्या है, क्या बना है, कमल, कमल होता है ना. तो आप सारे बच्चे मुझे इस वर्क को सेंड करेंगे. एंड द नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी. ओके, अब क्या करेंगे, अब तो ये होमवर्क आपका हो गया, अब एक
करना है ये मैं बताने जा रही हूँ। आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उसमें आपको क्या बनाना है, ड्रॉ अ बोट ऑन वाटर। क्या करना है आपको, एक बोट ड्रॉ करनी है नीचे पानी, पानी के ऊपर एक बोट ड्रॉ करनी है, उसको कलर करके मुझे वर्क को सेंड करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या एक्टिविटी है, ड्रॉ अ बोट ऑन वाटर एंड कलर इट। अब बोट को ड्रॉ करके उसको कलर करके मुझे वर्क को सेंड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।